अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल सज्जाद। मॉर्निंग ट्यून में बुध जुमेरात होता है मेरा और आपका साथ। यह है हमारा खरी एफएम 97। एक नया दिन, एक नया रोशन सवेर, एक नई सुबह कहाँ सो चुका है, एक नए जोश और एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ, ऑफ कोर्स मेरे साथ। और मेरे साथ आज कौन सी बात होने वाली है? मेरे साथ आज आप बात करेंगे लंडे बाजार के हवाले से। हम बड़े शर्मिंदा होते हैं, हाय लॉ, लंडे से ली हुई चीज़ें किसी को पता चल गया तो उसकी, उसमें से जो स्मेल आ रही होती है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए धोया जाता है, उस पर परफ्यूम स्प्रे करते हैं, सही सही रात उसको भिगो के रखते हैं ताकि वो लंडे की जो बू है वो ख़त्म हो जाए। और शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, बाहरले मुलख से जो है वो अंकल आंटी ने जो कोट भेजा, जूते भेजे, ये वो हल्ली लंडे से होते हैं। क्यों पैसे खर्च करके लंडे में से लेने वाली चीज़ जो है उसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। आज शेयर करेंगे आप लोग मेरे साथ कि आखिर लंडे बाजार में क्या शर्मिंदगी वाली बात है। लंडे से चीज़ खरीदिए तो खरीदिए ना भाई, इसमें क्या मसला है? इस सुपरमार्केट से खरीदते हैं, किसी बड़े मार्ट से खरीदते हैं, शो ऑफ करते हैं, लंडे से भी पैसे दे के खरीदी जाती है। लंडे में कौन सा मुफ्त मिल रही होती है या सस्ती मिल रही होती है? इतनी महंगी चीज़ें होती है लंडे में, बहुत से लंडे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसमें ज़िंदगी की सारी चीज़ें मौजूद होती है। क्रॉकरी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, टॉयज होते हैं, बिस्तर होते हैं, जूते कपड़े और सारा कुछ, सारा कुछ, सारा कुछ, सारा कुछ होता है। अंग्रेज़ों ने जो कुछ भेजा हुआ होता है वो सारे का सारा मौजूद होता है। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फिर इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, मुझे आपने आज ये बताना है। ठीक है जी, हम क्यों शर्मिंदा? नहीं, शर्मिंदा से भी ज़्यादा ना कुछ और फीलिंग होती है हमारी, हम छुपाने की कोशिश करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हमारे बाहरले मुल्क वाले जो हमारे लोग हैं वो जो है शायद इतना नहीं भेजते जितना हम उनका चर्चा करते रहते हैं। क्यों आखिर, मतलब ये क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स है लंडे से चीज़ खरीदना? कोई एहसास कमतरी है? हाँ, कोई नफसियाती बीमारी है? हम क्यों शर्माते हैं, क्यों शर्मिंदा होते हैं लंडे से खरीदी हुई चीज़? बैग्स जो है वो बड़े ज़बरदस्त, पैंट्स, हर चीज़ मिलती है लंडे से, और लंडे से खरीद के हम कह रहे होते हैं बाले मुलख वाले आंटी थे अंकल सानू भेज दे रहे हैं। क्यों भेज दे रहे हैं वो बाले मुलख वाले, जबकि आपने खुद खरीदी हुई होती है पैसे दे के? तो क्या हर्ज है, मुझे ये बताइएगा। और क्या आपने कभी लंडे से कोई शॉपिंग की है? क्या आप लंडा बाजार जाते हैं? और क्या आप जब लंडा बाजार जाते हैं तो छुप के जाते हैं? मतलब छुपा कैसे जा सकते हैं, मुझे तो अभी तक ये भी समझ में नहीं आया, मतलब आप कैसे छुप सकते हैं? लोग ना देखे इसके लिए क्या मुंह ढांप लेते हैं, इस किस्म की कोई चीज़? व्हाट डू यू वांट टू डू, कि अगर कोई आपको देख ले तो फिर आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे वहाँ लंडा बाजार में, रिएक्शन क्या होगा? तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो है ना मैं आज आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है जी, का अभी हम उधर से इनको साथ ले लेते हैं। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। 9:20 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक और साथ साथ शामिल हो गए हमारे फेसबुक और सुनने वाले लिसनर्स जो है वो सब साथ साथ हैं। लंडा बाजार के हवाले से बताइए मुझे कि लंडा बाजार में शॉपिंग इतनी शर्मिंदगी की बात क्यों है? जो बड़े स्टाइल से नाक मुँह चढ़ा के लंडा बाजार कहते हैं वो भी शर्माते हैं लंडे से शॉपिंग की भी दिखाने को या बताने को कि हमने लंडे से लिया। क्या लंडे में मुफ्त मिलता है? क्या लंडे में जो जाना है वो कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को शो करता है? छुपाना जो है वहाँ से चीज़ लाके, अच्छे अच्छे बैग्स, अच्छे अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छे स्वेटर्स, ट्राउजर्स और टाइट्स, हर चीज़ मिलती है लंडे में, लेते भी हैं लेकिन छुपाते हैं क्यों? और अगर हमारी कोशिश ये होती है कि लंडे बाजार जब जाएँ तो कोई हमें देखे ना, जब हम खरीद के चोरी चोरी सारा कुछ ले आए तो फिर उसको सारी सारी रात भिगो के इसकी स्मेल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या कुछ इस पर स्प्रे करते हैं फिर, ताकि पता ना चले कि लंडे की है। तो ये लंडे का बाहू बहुत से लोगों का जाता है लंडे का बाहू, तो ये लंडे के रस्सू बंध के तो हम घूमते हैं लेकिन पहचान जो है वो हम कराते हैं कि बाले मुलक से जो है वो अंकल आंटी ने भेजा या कज़न ने भेजा। वजह क्या, इस शर्मिंदगी की वजह क्या है और क्यों हम ऐसे कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि अपने पैसे खरीद के अपने पल्ले से ली हुई चीज़ को भी हम कह रहे थे किसी ने भेजी हमें बाहर से दी है। उज़ैर उसानी हमारे साथ है, थैंक यू वेरी मच। हसनी जलाल सिंह, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर टू यू एज़ वेल। और शावेद शाहनवाज कुरैशी, थैंक यू वेरी मच। शाहनवाज ने खाली मग भेजे, मैंने कॉफ़ी पी ली है, थैंक यू फॉर योर मग्स और कप्स। अच्छा जी बताइए, 0537601961 पे आ सकते हैं आप। लाइन क्लियर थी तो मैं क्लियर करने की कोशिश में शायद ख़राब कर रही हूँ। अच्छा जी चलिए बताइए मुझे जल्दी से, और अगर मैं बताऊँ कि लंडे से शॉपिंग की बात करें तो मुझे तो नहीं शर्म आएगी अगर मैं लेने जाऊँगी तो, और मैं लेने के बाद बताऊँगी भी कि ये लंडे का माल है भाई,
बड़े बड़े लंडे, जबरदस्त लंडे घूमने फिरने के लिए, आउटिंग के लिए अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद के, कराची के, लाहौर के लंडे में घूमने चले जाएं, सारा दिन आप घूम सकते हैं, कहीं बैठ के कोने में खा पी भी लें, और मतलब एक पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है एक लंडा बाजार जो है। तो मेरा मतलब आप ऐसे पिकनिक डे भी इसको ले सकते हैं, जब आप डे आउट करें तो आप लंडा भी जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल शाहनवाज। तो जनाब हाफिज सुबाना अहमद कह रहे हैं सलाम अलैकुम, मेरी तरफ से सबको सलाम, वालेकुम सलाम सर, सुबह खैर टू यू। हाफिज साहब आप गए लंडे कभी, मतलब या लंडे से लेके कभी शर्मिंदगी हुई हो कि हाँ है किसी को पता ना चले कि लंडे की चीज़ है, हैं ऐसा होता है? चले ज़रूर शेयर कीजिए। अब इसमें शर्माने वाली बात क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। मतलब 0537 6 0 1 9 6 काफ़ी देर से बज रहा था लेकिन मैंने कॉल रिसीव नहीं की थी, अब मैं कॉल अटेंड कर रही हूँ, अब आ जाए। शाहनवाज कुरैशी सिंह वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी शाहनवाज, आप गए कभी लंडे बताएं ना। आप लोगों की सबकी जो है ना रिस्पॉन्स से पता चल रहा कि जाते सारे छुपा रहे हैं, वही बात आ गई जो मैं कह रही हूँ। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी कि जी बड़े बड़े लंडो बाजार मौजूद हैं और वो पिकनिक के तौर पे भी आप किसी दिन लंडे में घूमने जा सकते हैं, वैरायटी होती है जहाँ पे। ये तो छोटे मोटे लंडे बाजार जो है वो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। मैं भारत से शाहनवाज कुरैशी कह रहे हैं, ओह वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया शाहनवाज। मुनीर अख्तर सिंह अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच मुनीर, वालेकुम अस्सलाम। और शाहनवाज कुरैशी आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे। आप भारत से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ और हम साथ साथ हैं, है ना। अच्छा जी तो भारत में लंडा होता है ज़रा बताइएगा, आप जा रहे थे इंडिया में, इंडिया की आबादी भी वैसे हमारी तरह ही बेचारी, लेकिन फिर भी माजरत के साथ शायद उनको ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियली, तो इस वजह से शायद वहाँ लंडा होना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो क्या आप भारत में भी लंडे से चीज़ें लेके छुपा लेते हैं लोग, हैं कि नहीं? ये तो हमें बाहर से आया भाई, अंकल आंटी ने भेजा है, कज़न ने भेजा है, इस किसी भी कोई चीज़ है। हाफिज सुबान अहमद कह रहे हैं जी जी बहुत दफ़ा गया हूँ लंडे में, मेरे दोस्त की दुकान है लाला मुस्तफा जलम, और ला एड्रेस भी बता दिया। चलो ठीक है जी, जाएंगे आपके दोस्त की दुकान पे भी। सारे लोग जाइएगा इस लंडे की दुकान पे। अच्छा शाहनवाज कुरैशी कह रही है नो वहाँ पे भी नहीं होता लंडा। ओ आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी शाहनवाज, लंडा इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये बहुत ही एक अच्छी सी अजीब सी चीज है, बल्कि एक पिकनिक पॉइंट भी हो सकता है, और इसमें दुनिया की सारी चीजें आप सस्ते से खरीद सकते हैं। लंडा बाजार हमारे यहाँ होता है, आप आइएगा जरूर पाकिस्तान तो मैं आपको लंडा घुमाऊंगी। इधर खारिया में आइएगा, खारिया का लंडा छोटा है, ये लालम सा का लंडा बड़ा, वहां लेके जाऊंगी, इस्लामाबाद और कराची का भी घुमाऊंगी, आप आइए पाकिस्तान। चौधरी सादी सही है सलाम अलैकुम, सुबह खैर, मेरी तरफ से FM 97 की सारी टीम को सलाम, वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। और अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं आमिर सुहेल, वालेकुम अस्सलाम, अब कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज मुझे क्यों आ रही है, अब ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया जी, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? सुना रही हूँ बहुत ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। करम है मालिक का, बस दुआ कर दिया करें इस नाचीज के लिए, बस मेरे ऊपर चादरें चढ़ाए, मजार हूँ मैं, आपकी दुआएं पूरी हो जाएंगी। दुआ मेरी बात सुना, दुआ करती है ना सबके लिए, सबके लिए, मेरे लिए स्पेशल किया करें। चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताए राजा चाहिए, कभी लंडे बाजार गए आपके यहाँ लंडा होता है? लंडे तो जाते रहते हैं, क्यों नहीं, लंडे की चीजें तो पहनने वाली होती हैं। और क्या, स्टाइलिश और इतनी अच्छी। हाँ मैं तो पता कौन सा, मैं पता कौन सा ऊपर लेता हूँ। कौन सा? वो जो राजा भूमिया वाला स्टाइल होता है ना। वाह रैपर्स का। हाँ वो मैं लेता हूँ, वो जब पहनता हूँ तो पूरा भूमिया लगता हूँ। हंस सकती हूँ कि नहीं? लगते भी भूमिया की रैपिंग भी करता हूँ ना, वो जब पहन के, तो जब मैं भूमिया की रैपिंग करूँ तो पूरा भूमिया लगता हूँ। वाह 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 क्या कहने, लोकल भूमिया हमारे साथ है जी। हाँ जी। अच्छा एक मिनट, काला आलोक आलोक, हेलो आई एम इंडियन, आई एम पाकिस्तानी, एंड वी आर ऑल टुगेदर, है ना, इट्स ओके। अच्छा जी माशाल्लाह, जरूर आना जी शाहनवाज, जरूर आइएगा, ये हमारा घर है, 97 आपको हमेशा वेलकम करेगा, आप आइए जी। नहीं 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 कह रही हूँ, कह रही हूँ वो इंडिया से कमेंट्स से, इसलिए मैं शामिल करती हूँ जी। बोलिए, मैंने गाना सुनाना है आपको। सुनाइए सुनाइए सुनाइए, सब सुन रहे हैं। अच्छा चलो गाना सुन लेते हैं। सुना देना। नवे नवे लग दसरी के सोने चंगे ने जो कर दसरी के सोने, नवे नवे लग दसरी के सोने चंगे ने जो कर दसरी के सोने, जो दिल दिता तेनो हर जन वे
को सलाम देना चाहूंगा, मंडी वालों को स्पेशली सलाम, मंडी जी आई हुई थी उनको भी सलाम, और तमाम सुनने वालों को सलाम। आप खामोश होगी, बात नहीं कर रही। नहीं नहीं, मैं आपको सुन रही थी, आप इतने अच्छे गा रहे थे। आप बोला भी करे ना, ऐसी तो बात नहीं ना, ऐसे तो मजा नहीं ना आता। मैं बोल रहा हूँ, आप खामोश है। जब मैं बोलती हूँ तो आप बोलते हैं मैंने गाना सुनाना है, ठहर जाए। इस वजह से मैंने कहा चलो आप सुना लें। आपका शो सुनने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो आप जो है ना बोल नहीं रही, आप ये देख रहे थे वो बात करी ना। बस फिर बोलू के ना बोलू, और मैं क्या बोलू, और मैं कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। फिल्म वाले डायलॉग बोलू के ना बोलू। ऐसा करिए, आप लंदन में जाइए ना, ठीक है? आप लंदन में आपकी दुकान की तरफ से ना, हाँ अपर लेके ना पहलू आपने पहन लिया, आप ही लगाने हैं आपने। जाहिर है अब नहीं लगाऊंगी। थैंक यू। ओके जी, बिल्कुल दुकानदार को बता दूंगी आपकी तरफ से डिस्काउंट कर दें। सलाम लवली ग्रुप को सलाम, और आज उदास बारी की अम्मी की बरसी है, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ख्याल करे। ओके, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। तो मंडी वालों को भी सलाम, मनामा जी को सलाम, और लवली ग्रुप को स्पेशली सलाम। और एक गाना चलाना है आपने, कौन सा? मेरा गाना तो आप चलाती ही नहीं है, तो इतने इश्क के कुट्टे दुखी गाने में सुबह सुबह चलाओ कैसे? अच्छा कौन सा, कौन सा ये वाला आपने गाना चलाना है? शरीका नवाज लगती मटी मटी। चले आफ्टर द ब्रेक चलाते हैं, ठीक है? चलाना जरूर है। हाँ लेकिन अभी क्योंकि फेसबुक पे लाइव है तो साथ ही रेडियो वाला चप्पल चप्पल को नहीं लेके देना। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये भी ठीक हो गया, खरीदा मैंने अपने पैसों से, लेकिन आपने मुझे लेके नहीं दिया। ब्रेक आ गई रेडियो पे, रेडियो पे ब्रेक पे चलते हैं, और आप लोग हैं हमारे साथ, आप लोगों को शामिल करते चले। शाहनवाज कुरैशी, थैंक यू। मुनीर अख्तर सिंह, बाजी मैं आर्मी से हूँ, पाक आर्मी को सलाम। बाजी मेरी बेगम जाती है लंडे। मुनीर साहब, सबकी बेग में जाती है लंडे, और बच्चों के लिए इतने जबरदस्त कपड़े होते हैं, मतलब सस्ते में आप बच्चों का पूरा सीजन गुजार सकते हैं। मियाँ को बाबू बना के जो है वो बेग मात भेजती है लंडे से खरीद के। तो पाक आर्मी को हमारा भी सलाम जी मुनीर साहब, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। लंडे तो आजकल अनारकली से महंगा होता जा रहा है। कौन कह रहा है, सुनील कह रहे हैं, कौन से वाले लंडे की बात करें, किधर का लंडा महंगा हो रहा है हमें बताएं, ताकि हम शेयर करें लोगों के साथ, लोग उस तरफ ना जाएं। जो सस्ते वाला लंडा उसका भी जरा हमें पॉइंट आउट कीजिए, किधर है सस्ता लंडा, ताकि हम लोगों को बताएं लोग उस तरफ जाएं। ये जो है ना, इसे सोशल वर्क प्लीज, इसमें शर्माएं नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, बिजली के बिल्स आते हैं, सारे प्रॉब्लम्स है ना, इसमें हमें सस्ती से सस्ती चीज खरीदनी है। मेड इन पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता लंडा, तो लंडे में इंपोर्टेड चीज मिल रही है, और वो सस्ती कहाँ से मिलनी है, जरूर शेयर कीजिए कौन सा लंडा जो है सस्ता। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील खारिया में बैठे हुए, तो खारिया का लंडा सुना है बहुत महंगा है। इसके बाद इससे भी बहुत बड़ा लंडा है इसका लाला मूसा का, लेकिन कहते हैं कि वहां पे भी अब पर लग गए कीमतों को। और गुजरात में मेरे ख्याल में दो लंडे हैं, तीन लंडे, तो वो भी जरा महंगे ही हैं। तो सस्ता लंडा किधर है, अब आपने ये बताना है साथ साथ। लाहौर का लंडा, अच्छा लाहौर का महंगा हो गया, और तो रेडी में भी इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें लगी हुई होती थी। देखिए मैंने बहुत दफ़ा स्टूडेंट लाइफ में ना वो कोई चीज़ बनानी होती थी, तो लंडे की चीज़ें लेके तो उसको कटिंग करके और इसमें से बनाया करते थे, मतलब जो डेकोरेशन की है इस किस्म की, जो प्रेजेंटेशन के लिए चीज़ चाहिए होती थी, उसकी बात कर रही हूँ। शकील खान आ गए, कहाँ थे आप, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको देख रही हूँ। लंडा सस्ता कहाँ है बाजी, बस कहीं नहीं है, सारे लोग ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इस बार लंडा भी चलगोजा बन गया। लाला मूसा लंडा, साकी राजा कह रहे लाला मूसा का लंडा, ठीक है। अलहमदुल्ला माला खैर आ गए, और नेवा जो है वो आके कमेंट करना शुरू हो गए हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जगह मेरे लिए। अभी जैसे ही हम वहाँ चलते हैं साथ साथ शामिल करूँगी। थैंक यू अलहमदुल्ला, वालेकुम सलाम, और आपके फ्रेंड्स ठीक हो गया फ्रॉम लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह। माला खैर फ्रॉम लाहौर कैसे हो गया, आप तो क्वेटा से थे, मेरे से झूठ बोल रहे हैं, आपने तो खुद बताया, बता झूठ नहीं बोला, झूठ है ना, है ना, पता चल गया। अच्छा अगर आपसे कोई नेगेटिव होती है तो आप सिर्फ माफ करना सीखे, अच्छी बात है तो आप बहुत करते हैं, अच्छी बात है दीवारों पर भी लिखी होती है, मसला ये है कि हम उस पर अमल नहीं कर रहे होते। सो वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना। तो राजपूत जिद्दी कह रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। अब लंदन में, दुबई में, सऊदीया में सारे पाकिस्तानी जो हमारे साथ हैं, ये लंडा खरीदते हैं कि नहीं खरीदते,
इन्हें नहीं जरूरत वैसे, है ना, बेचारे चार कपड़ों में जिंदगी गुजार देते और पैसा यहाँ भेजते, यहाँ वाले जो वो लाखों रुपए पत्थर लगा देते, करोड़ों रुपए की घर बना के इस पे पत्थर लगा के पैसा पत्थर कर रहे होता है। अफसोस मुझे सबसे ज्यादा होता है इन लोगों पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनकी जिंदगी खा रहे होते हैं घर वाले, इनका एक एक सेकेंड एक एक जो मिनट है ना वो खा रहे होते हैं और उसको पत्थर बना रहे होते हैं, लेकिन परवाही कोई नहीं। और जब ऐसा बंदा हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आता बेचारा, तो बिगड़ी हुई औलाद, बुढ़ी बीवी और हाथ से निकले हुए मामला आते उसके हिस्से में आता है, अल्लाह ना करे, लेकिन मेजोरिटी के साथ ऐसा ही होता है ना। दुआ ही कर सकते हैं फिर आप पाकिस्तान में थोड़ा सा कमा लो, अच्छा खा लो, अच्छा खाना मुश्किल है पाकिस्तान में। चले ओके जी, रेडियो पे भी साथ चलते हैं वापस, 0535-6-0196। आपको क्यों बता रही हूँ, इधर आने वाले हैं जो कॉल्स उनके बारे में बता रही हूँ। अच्छा, मैं लंडा बाजार बड़े शौक से जाऊँ, लेकिन क्योंकि हमारा वर्किंग डे थ्रू द वीक चल रहा होता है तो जाने का टाइम ही नहीं होता। सो मेरी जो ख्वाहिश है, जो हसरत बन गई है, उसमें से ये लंडे जाने की है। तो मैं किसी दिन अगर पिकनिक का मूड होगा सबको फोन यही सबकी मिनतें करूँगी या करती हूँ बल्कि, कि चलो लंडे बाजार चलते हैं। कोई भी कलीग होता है, चलो जिन्हें लंडे चले, चलो वली लंडे चले, चलो फलान लंडे चले, मतलब कहती ही रहती, लेकिन कोई लेके कभी नहीं गया, कोई साथ चलता नहीं, अकेले जाते हुए जरा बंदा अजीब लगता है ना। वेलकम बैक, और साथ ही कॉलर है मेरे साथ, कॉलर चले गए, तो मैं बता रही थी कॉलर को ले लेते हैं बल्कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल आपका? ठीक है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल फ्रॉम लाहौर। आज लाहौर से क्यों अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल? कल नहीं परसों में यहाँ पे फोन किया था, कल नहीं पर 5 बजे फिर रमजान तक हम यहाँ पे। अच्छा जबरदस्त, 5-6 महीने यहाँ पे हुए, 6 महीने हम क्वेटा में हुए। वाह, तो क्वेटा से आए, आपको बादाम अखरोट पिस्ता अंजीर कुछ लाए? बिल्कुल, ये काजू पिस्ता अखरोट बादाम भी भेज रहे थे, हमारा शौक है। अच्छा, तो आप भी चक्कर लगाया कर लाहौर में, फिर मैं आपको काजू अखरोट पिस्ता बादाम दूंगा। नहीं थैंक यू, मैं यहीं से खरीद लूंगी, अब इतनी दूर कहाँ जाऊँ मैं ये खाने के लिए। नहीं नहीं खाने की बेशक मैं लालची हूँ, फ्री खाने की नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए लाहौर आके कैसा लग रहा है अब्दुल्ला मलाखेल 6 महीने बाद? लाहौर आके कैसा लग रहा है? माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। लाहौर है फिर? थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल। हमारे साथ क्वेटा से होते थे 6 महीने, ये क्वेटा रहते 5-6 महीने। ना सिर्फ क्वेटा वाले बल्कि इधर हमारे नॉर्दर्न एरियाज के भी पठान भाई और बाकी लोग जो हैं वो गर्मियों में आ जाते हैं, सर्दियों में वापस जाते हैं, बट समटाइम वो सर्दियों में वहाँ रहते हैं और गर्मियों में वापस आ जाते होते हैं। अमरजा चौधरी से गुड मॉर्निंग कॉलर के साथ ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रफीक साहब, आप तो गए होंगे लंडे। बिल्कुल जबरदस्त, जिंदा अंग्रेज भी तो भेज सकते हैं, जरूरी नहीं मुर्दा अंग्रेजों ने भेजा हो, उसकी कोई चीज हो छोड़ के चला गया तो मुझे दे। वाह, तो रफीक साहब मुझे ये बताए लोग क्यों शर्माते हैं बताने में कि हमने लंडे से ये चीज ली है? नहीं, लोग आम इसलिए शर्माते हैं अगर लंडे वालों को शर्म नहीं आती है? हाँ ये फेसबुक के कमेंट्स में भी ये कि लंडा बहुत महंगा हो गया। जो पीछे से जाता है ये कहीं टोकरी आता है सारा कुछ। अच्छा, तो इतना कॉस्टली नहीं होता, ये महंगा नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पे आकर फिर इनकी कीमत बनती है, 1 नंबर लंडा, 2 नंबर लंडा, 3 नंबर लंडा है। हाँ जी, 1 नंबर में जाते हैं ना सारे ये सियासतदान और अदाकार और ये हाई क्लास लंडा, एलीट क्लास का लंडा। हाँ जी, अच्छा, तो ये लोग जाते हैं फिर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, फिर आम कपड़ों के लोग चले जाते हैं ये पोशियों कार वाले, उससे नीचे आ गए तो हमारे जाते हैं जो दूसरे बचे लोग। यानी जाते सारे हैं लेकिन मानते नहीं है, सब लंडा हमें तो पता ना लंडा ही पाया नहीं, दूर खड़ी करके आते। वाह, जो इस्लामाबाद का लंडा ना जो पहले पिशावर मोड़ पे था, ओए हो क्या कहने,
हाँ जी, अब तो जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं, अब आपका खारिया में भी है सारे। कि यहाँ पे कमेंट्स में आ रहे खाने का लंडा बहुत महंगा है, लाहौर का लंडा बहुत महंगा है, लाला मूसा का लंडा बहुत महंगा है। लाहौर में तो काफी फर्क है, हमारे जमाने में ना थी कि सिर्फ मैं बूट पैंट वाह कोट, और कोट वाह, हाँ के अंदर एक छोटी सी वास्कट होती थी, थ्री पीस जिसे कहते थे, थ्री हाँ उसका पीस सूट आपने सुना ही होगा, जी जी वो बिल्कुल, तकरीबन 30 रुपए में मिल जाता था सारे, यानी यानी 100 रुपए में पूरा बाबू तैयार। ₹100 की बाबू क्या, जबरदस्त, 100 रुपया काम लगाते थे, 100 रुपया होता ही नहीं था, अच्छा, 50 रुपये पता नहीं कैसे इकट्ठे होते थे, और इसमें बाऊजी तैयार हो जाते थे। उसमें बाबू तैयार हो गया। वाह, अब तो 50 रुपए में लंडे में से कुछ नहीं मिलेगा। आप तो 50 रुपये से लंडा सूंघने तक होते हैं, आप जो पुराने कपड़े और इस्तेमाल लाकर सूंघ लो, 50 रुपये दे के और चले गए। ये भी बड़ा है, चल अच्छा हो गया तो उस जी। जमाने में 10 रुपये का रस्सी सोना था, हे एक अच्छा, रस्सी सोना 10 रुपये का, और अब सोना 1,000 रुपये का एक रस्सी है। और लो रत्ती तोले माशा, ये इसमें मतलब इसमें भी इतना फर्क आ चुका है, हाँ जी फर्क आ चुका है, अब हिसाब जबरदस्त, लगा लें क्या बनता होगा। कोई हिसाब नहीं लगता, ये बहुत कुछ बनता है, बहुत महंगा है। बिल्कुल, चेन ऐसे चल रही है एक्चुअली। किराने वाला बेचारा 96 रुपया, 96 रुपया इकट्ठा करके शाम को मार के 200 रुपया इकट्ठा होता था, या सही 500 इकट्ठा होता बड़ी दुकानदारों के पास। सही सही, हाँ जी, तो ये सीन है, इसी तरीके बात चल ठीक है। तो कितना जो है इंसान के साथ दिखा हुआ है, दुनिया ध्यान लगा फिर भी लंग जानी थी, हाँ सुकून नहीं है, सुकून सिर्फ वजीर आजम ने बताया कब्र में। क्या क्या दिव्याल ने पता नहीं, शायद नहीं जाना होगा क्या के बाद जाए। अच्छा चले ठीक हो गया, थैंक यू रफीक साहब, थैंक यू फॉर योर अगर कॉल, जाओ आगे एसी लगा के दो, ओके थैंक यू फॉर योर कॉल, तमाम सुनने वाला बच्चा, ओके थैंक यू सर। ये होता था लड्डा जिसमें 30-40 रुपए में पूरा बाऊ तैयार हो जाया करता था, और 100-200 रुपए में घर के सारे बच्चे बच्चे भी माशाल्लाह 5, 6, 7, 8 उस वक्त जमाने में हुआ करते थे, तो सबके साथ भुगत जाया करते थे। फकीर हुसैन अंगूठा दे रहे मेरी जैसे 2 अंगूठे थम्स अप कह रहा है, थैंक यू। आजाद साकी सेइंग अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और कुरैशी साहब इंडिया से जो है वो कह रहे हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारी सारी दुआएं आप लोगों के लिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग दिल से दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं सब लोगों के लिए, आप लोगों की तकलीफ़ परेशानियाँ जल्द अज़ जल्द दूर हों, आप लोग हंसी खुशी अपनी अपने मुल्क में रहें, आप लोगों के लिए आसानियाँ हों, ये हमारी हमेशा से दुआ होती है। और गणेश जी हमारे साथ 0530-6-0961 पे ठीक है आ सकते हैं आप अभी भी, और लंडे बाजार के हवाले से हम बात करें, शर्मिंदा होते हैं लोग, शर्माते हैं लंडे में, लेकिन लंडे में जाते हैं सारे के सारे, बहुत कम लोग जिन्हें एलर्जी होती है, होते हैं कुछ लोग जिन्हें एलर्जी हो जाती है ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से, तो वो नहीं जाते होंगे, और मतलब ऐसे ही लोग नहीं जाते होंगे, अदरवाइज जाते सारे। अब मसला क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स्ड पर्सनैलिटीज़, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार लोग हैं, और हम ना जिस दुनिया में रह रहे हैं ना सिर्फ शो ऑफ करना जानते हैं, हम सिर्फ अपने आप को ना जो हम नहीं है वो प्रिटेंड करते हैं, और वही शो करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ सर्कल बहुत डिस्टर्ब है। अगर लंडन से लिए चीज़ बोल दो ली है, सहूलत बाजार से लिए बोल दो ली है, अब सहूलत बाजार से भी मुलाजमों को भेज के तो आटा मंगवाना, चीनी मंगवाना, खुद नहीं जाना, कि नाक कटती है सस्ते बाजार से चीज़ खरीदने में, पता नहीं कैसी नाक है जो ऐसे मामलात में कटती है, इसको तो फिर कटे काट दे तो ज़्यादा बेहतर है, जो हर गलत काम पे जो है वो नहीं कटती और सही कामों में जो कट रही होती है। आवाम की सहूलत के लिए लगता है सस्ता बाजार, आम आवाम खरीदे, जो पैसे वाले हैं वो बेशक ना खरीदें, ज़रूरत नहीं है। फ़कीर हुसैन सिंह हेलो सिस्टर, काशिफ अली मलिक कह रहे शादी से पहले लड़की को कहा जाता है ये गैर मर्द से पर्दा करो, इसके सामने नहीं जाना, हमारी इज्जत का मामला शादी, बस ससुराल वाले भी ये कहते हैं, लेकिन जब लड़की की शादी हो रही होती है तो सबके सामने उसको मुजस्मा बना के क्यों बिठाया जाता है, हर गैर मर्द देखते हैं अपने अपने मोबाइल में तस्वीरें बनाई जाती हैं, क्या तब आपकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचती, तब क्यों नहीं कहा जाता निकाह पर्दे में किया जाए, क्यों नहीं कहा जाता कोई तस्वीर ना बनाए, खुदा इस निज़ाम को ख़त्म करें, सादा निकाह करें, दुनिया को छोड़ दें, वो क्या कहेगी ये सोचेगा अल्लाह को मुंह दिखाने से, बहुत से माँ बाप अपनी बेटी को किसी कर्ज के बगैर रुख्सत कर सकेंगे, निकाह को आसान बनाए ताकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा किया जाए, पर्दे में निकाह करें, अपनी बेटी को मुजस्मा बना के सबके सामने ना बिठाए, खुदा इस्लाम के मुताबिक निकाह करें, निकाह पर्दे में करें। काशिफ अली मलिक का ये मैसेज था और बहुत ज़बरदस्त था। कामरान भुट्टा मैनचेस्टर से सलाम, वालेकुम सलाम। और फ़कीर हुसैन कह रहे गुड, अच्छा
काशिफ अली मलिक के जो मैसेज है, कमेंट है, इसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगी। जिना बहुत ज्यादा आम है। अच्छा, हमारे यहाँ जिना समझते किसे? एक ये भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो बड़ा खराब है, बैड रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन, इसी को हम जिना समझते हैं। लेकिन जिना तो आंखों का भी है, हाथों का भी है, मतलब जिस निगाह से आप देख रहे हैं उसका भी है। आप मोबाइल के जरिए कुछ कर रहे हैं उसको किसी दूसरे जेंडर के साथ, वो सारा कुछ जिना में ही आता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिना का, जो सारे का सारा हम जिना कर रहे हैं उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे थे गुनाह में, तो ये इस वजह से आम हो गया क्योंकि निकाह बहुत महंगा हो गया है। अपने सूरह नूर में आप देखिए, अल्लाह ताला ने आपको बताया है बड़े क्लियरली कि निकाह करो, बरकत मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, खास तौर पर अपनी बेटी का जब रिश्ता करने लगते हैं तो 20-25 साल के, 26 साल के, या ज्यादा से ज्यादा 30 साल का अगर कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बच्ची को वो सब कुछ दे जो कि उसके बाप को देने में 40-50 साल लग गए हैं। तो वो 25 से 30 साल का जो लड़का या आदमी है वो आपकी बच्ची को कैसे दे सकता है जब आपके बच्ची के बाप को 50-60 साल लग गए वो सारी चीजें इकट्ठी करने में। कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, निकाह को आसान करें। और निकाह को आसान करने का एक और तरीका है मसाजिद में निकाह का, लेकिन उसको भी अल्लाह माफ करे, हम लोगों ने ड्रामा बना के रखा हुआ है। उसमें फोटो सेशन होते हैं, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो है वो जाती है, निकाह करती है, उसके बाद रिसेप्शन पे वही हल्ला गुल्ला, वही तमाशबीनी चल रही होती है। इवन मसाजिद के अंदर जो है फोटोशूट जो हो रहा होता है वो भी एक अजीब सी चीज़ है। तो फिर इस तरह से निकाह जो है वो जो हमारे यहाँ तबकाती तकसीम है इसने बहुत गड़बड़ कर दी है। सादा निकाह कीजिए, अपनी बच्ची को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को समझाए, एक से ज़्यादा शादियाँ करने दे। जिना करने से बेहतर है कि आपका शौहर जो है वो एक हलाल तरीके के, एक हलाल रिलेशन में जो है वो रहे। जो रेशो है मेल फीमेल की पाकिस्तान में वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा तादाद में फीमेल्स हैं, मेल बहुत कम है। और दो दो तीन तीन शादियां करने दें, अपे से आपे में पड़ा रहेगा, फिर कोई इधर उधर मुंह मारने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो आपकी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। एक हलाल तरीके से, एक जायज तरीके से जो है। और हमारा मसला ये है कि दूसरी शादी करने वाले को ना शायद घर वाले या रिश्तेदार जो है वो फिर भी जान छोड़ते, लेकिन गली मोहल्ले वाले एने दूजा ब्याह किया, ए जा रहा है इस दूसरी शादी वाला, इसने दो शादियां कर ली, इस किस्म के ताने देना शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। इसको एक हलाल तरीके को एक गुनाह सा बना देते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट उसके बारे में दी जाती है बार बार कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए कि मैंने किया क्या। हालांकि शर्मिंदा उसको होना चाहिए जो इलीगल रिलेशन बनाता है, जो कि धोखे से रिलेशन बनाता है, जो कि खुफिया शादियां करते हैं फिर छोड़ देते हैं वो लोग के जो, या फिर बगैर शादी के ही साथ रह रहे होते हैं। मॉडर्न दौर है, इसमें लिविंग रिलेशनशिप बहुत पाकिस्तान के अंदर भी आ चुका है, जो कि सच्चाई है हमारी। तो ये सब इसीलिए वाकई में कि हम लोग निकाह को आसान नहीं करते। निकाह को आसान तरीन बनाइए, मत एक्सपेक्ट करेंगे एक 25-30 साल का लड़का जो है वो आपकी बेटी को गाड़ी, बंगला, बड़ा सा घर और बैंक बैलेंस और जेवरात सब कुछ देगा। थोड़ी रियलिटी को देखें ना, आपको कितना साल लगा था, कितने साल लगे थे सब इकट्ठे करने में, काफ़ी टाइम लगता है। तो बेहतर ये है कि बेटियों का निकाह करें, और उन्हें ये भी समझाना होगा हमारे यहाँ ना ये जो जंग खड़ी हो जाती दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाएं कि करने दो, दो करें, तीन करें, चार करें, करने दें, इसी में बेहतरी है सबकी, इसी में सोसाइटी की बेहतरी है। अच्छा जी, मुबीन हसन, थैंक यू वेरी मच, और कामरान भुट्टा कह रहे हैं अच्छा जी हो गया, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और 0537601961 पे अभी भी कोई है, शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं पहचान नहीं, नहीं हमने बताया कौन कहाँ से। अच्छा, हमसे लंडन में साथ जाते हैं, बिल्कुल जाता हूँ, क्यों नहीं जाता हूँ। और फिर छुपाते हैं कि बताते हैं कि लड़ने से लिए? मैं बताता हूँ, सरिया में जाता हूँ। फिर कौन से लंडे? इस्लामाबाद, रावलपिंडी। रावलपिंडी में बैंक रोड पे कहाँ? तेज भाटिया के पास? नहीं नहीं, बैंक रोड है सदर के पास। अच्छा अच्छा, सदर के पास, वही 22 नंबर है, तेज भाटिया के पास ही। नहीं नहीं, अभी दूसरी रोड पे, अब दूसरी रोड पे चल गए। लंडे सारे में फिरे कोई गए? ये जो आप बता रहे हैं यहाँ नहीं गई? वहाँ पर मेरे दोस्त है, उनका ना हाल है पूरा। अच्छा, लंडे वाले ने किराए पे लिया। वाह, क्या बात है। चलो एड्रेस बता दिया, अगली दफा हम सब भी जाएंगे। वही तो कह रही ना, आपने बता दिया ना, हम सब भी जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं उससे पहले गई हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि लंडा 20 साल सस्ता है कि महंगा है?
अच्छा मुझे ये बताएं कि शर्माते आप तो नहीं शर्माते, आप बताते हैं, लेकिन मेजोरिटी हमने देखा बड़ा शर्माती है बताने में कि लड़ने की चीज है, क्यों? जिन्होंने कभी फिटे मुँह करके पूछा ना हो उन्होंने भेजा है तो ये क्या हो, ये क्या चीज है, क्यों? ये बात आती क्या अपने आप को नीचा दिखाने से तो पैसे से मिलता है लंडन में, कौन सा मुफ्त मिलता भाई? ये हमारी है चले मैं लंडन से कुछ खरीद के लाऊंगी और दिखाऊंगी सबको कि मैं लंडन से लेकर आई हूँ। पहन लेंगे जी, सबको पहनना चाहिए, महंगाई इतनी है, कुछ सस्ती चीजों से फायदा उठाए करनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली करनी चाहिए। और इसी से महंगाई का तोड़ भी है, जब आप महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे ना तो ऑलरेडी बायकॉट हो जाएगा महंगी चीज का, बिल्कुल खूबसूरत बात, खूबसूरत बात कही आपने, खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बात। और कुछ कहना है? ब्रांड की भी मैं पहन लेता हूँ, पर जब सेल वगैरह लगे थे ना 95% 50% तब मैं वहां से ले लूंगा। आपकी आदतें सारी मेरे जैसी हैं। अरे हम सियाने बच्चे हैं, हम सियाने लोग हैं। चले ओके थैंक यू। ओके थैंक यू, दे देती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। मैं नौकर गाजीदा, सलाम अलैकुम मोहतरम, आई डी का नाम है मैं नौकर गाजीदा, वालेकुम सलाम मोहतरम इकराम खान सिंह, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम चौधरी आरिफ मुनीर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से आप? बारी बात कर रहा हूँ मुसाफिर। कैसे उदास बारी? सब ठीक है, उदास बारी कभी लड़ने गए? और बताते भी कि लड़ने से चीज ली है? बहुत तगड़े बंदे हैं भाई आप तो, लोग कहते नहीं लाइफ चले जाते हैं, वाह लाइफ चले जा रहे लोगों पर चले लंडे में, तो लंडा इस बार महंगा है कि सस्ता है? अभी आप तो तकरीबन 2 साल हो गए मैं गया ही नहीं। ओहो इतना इकट्ठा कर लिया, दोबारा जाने की जरूरत ही नहीं? खत्म हो गया। आये हाय 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 ओहो चले जवानी मुकी, शौक मुक गए, लंडे के दोस्त भी मुक गए, लंडे के दोस्त भी मुक गए, सब हुआ तो। चले कोई नहीं, अल्लाह देगा, और सब अपने हाथ में ना, थोड़ा सा इस उदासी से बाहर निकले सब कुछ सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं निकला था अभी, गुजरात गया हुआ था, फिर गुजरात क्या निकला था मुसा से निकल के गया था। वाह 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 जबरदस्त हो गया, शुक्र है आप भी घूमे फिरे। 8 बजे गया हूँ तो तकरीबन 8:40 वगैरह आ गया। हाँ हाँ जी, इतना लंबा टूर करके आ गए 40 मिनट में? 40 मिनट का टूर किया बाइक पे, एहतियात से चला गए ना, ये तो गलत बात है। मैंने एहतियात से चलाया, वो एक काम था इमरजेंसी तो जाना पड़ा, तो फिर वापस भी आना पड़ा क्योंकि घर में तैयारियां आ गई, मम्मी का हाथ में ना लाना। हाँ हमदुल्ला माला नहीं, किससे मेरे ख्याल में हमदुल्ला नहीं, राजा साहब कह रहे थे आपकी दुआओं के लिए भी। हाँ जी आज उनको ना एक साल हो गए। चले अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और आप लोगों को सब्र दे। चले वालेकुम अस्सलाम, ये मजबूरी है ना, अभी इसमें कैसे चला सकती हूँ शो और तरह का होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। और अमानो मानो सईद कामरान न्याजी, ओके अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल जब्बार एथन सीनान से आपको तमाम सुनने वालों को सलाम, वालेकुम सलाम अब्दुल जब्बार। और कामरान न्याजी को क्या हुआ, या कामरान न्याजी खुद है मानो मानो वाली आईडी के पीछे कुछ इस तरह का। सो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और लंडा बाजार जाना अभी बस कर दे कॉलर प्लीज। तो ओवरऑल जो बात है, चले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कौन कहाँ से? सनी मैम नामा बात कर रही हूँ, से कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, हट्टी कट्टी खूब माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइए कभी लंडे गई हैं आप? जी सनी मैं तो लंडे जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ, 7 घर के 2-3 लोगों को भी लेके जाती हूँ, आओ लंडे चले। हाँ इसी में मजा है ना, चीज मिले ना मिले कम से कम घूम के चीजें देख के। लंदन से चीज लेके आई हूँ,
जबरदस्त। हाँ ये है कि मजबूत होते हैं। मैं भी जॉगर्स वगैरह लिया करती थी स्टूडेंट लाइफ में भी ना, तो वो चलते, वो लेती इसीलिए थी कि वो चलते बहुत है। सकता है बहुत शुक्रिया। वो तो जो मैं रात को 8 से 10। अच्छा, तो मैं रात को 8 से 10। जी जी। तो कल की मैंने की करती आप है, मैंने कहा आपसे झगड़ा करना था, मैंने कहा आज मेरी पहली बार बात हो रही है आपकी, से मैंने इनसे झगड़ा करना है। करे करे, आपका टाइम खत्म हो गया, मेरा दिल कह रहा है आपको यही से ना, मैं हाजिर हूँ, मैं ताबेदार, झगड़े आप। थैंक यू फॉर योर कॉल। जी जी जी, चले सुना दे जल्दी से। अच्छा, छोटी सी, तेरा नाम जब भी लेती हूँ हवा हो जाती हूँ, शरीर दोहराती हूँ खामोश हो जाती हूँ, तुझे जब भी बुलाती हूँ मैं तन्हाई में, पास में बैठती हूँ खो सी जाती हूँ, बिखरी बिखरी से रहती हूँ तेरे ख्यालों में, तुझे सोचती हूँ तो सिमट सी जाती हूँ, मुझसे दूर हो कितनी मजरूर हो आपको प्यारी हूँ, मुझसे दूर हो कितनी मजरूर हो तुम जरूर जाओ इसे खौफ में रहती हूँ। अच्छा, थैंक यू। तुम हुसन की दुनिया की यूसुफ हो मेरी जानम, शर्मा गई, हुसन की दुनिया की यूसुफ हो मेरी जानम, सरदार मुस्सा हो सरे बाजार रहती हूँ, ये सुंदर आंखें जान सा चेहरा आपको कह रही हूँ, ये सुंदर आंखें जान सा चेहरा एक हो या लैला चेहरा में रहती हूँ, वही अपनी खूबसूरती संभाल कर रखी, अभी जानी मैंने अब आपको चार डाली आप जहाँ में मुझे मिल गया ना मेरे को कर लेना। ठीक हो गया, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर कॉल, टाइम बहुत शॉर्ट है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, माज़रत उन तमाम लोगों से जिनकी कॉल रिसीव नहीं हो सकी और जो रह गए हैं। अच्छा जी, मेरी सारी फैमिली आपको सुन रही है, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम मुनीर अख्तर, आपकी सारी फैमिली को, पाक आर्मी को, सब लोगों को हमारी तरफ से भी दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अब मेरे जाने का वक्त हो गया, मैं बस आखिरी जो एक दो बात कहूँगी वो ये कि प्लीज़ 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 कुछ भी आप करें अपने पैसों से कर रहे हैं, हलाल पैसों से, मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीद रहे हैं, उस पर कभी भी शर्मिंदा मत हो, जो मुयस्सर है उसको मुयस्सर कर लें, ज़्यादा के पीछे मत भागें, बरकत की दुआ करें हमेशा और बरकत वाली कमाई के लिए दुआ करें, एफर्ट करें, कसरत जो है वो ख़त्म हो जाती है, बरकत ख़त्म नहीं होती। दूसरी बात ये कि कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का शिकार मत हो, लंडे बाज़ार से चीज़ ख़रीदना, सस्ते बाज़ार से चीज़ ख़रीदना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पैसा खर्च करके आप ख़रीद रहे, पैसा जो है वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, अपने बच्चों का अपना जो है वो तन ढांपना या ज़रूरत की चीज़ ख़रीदना लंडे में से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा अयाशी से रहना, लोगों को दिखाने के लिए स्टैंडर्ड हाई जो है वो शो करने के लिए एक्स्ट्रावेगेंसेस, फालतू के खर्चे, ये सब करना, ये बेवकूफ़ी है। अपनी चादर के अंदर रहते हुए जो चीज़ मिले उसी में खुश रहना सीखें, बेसिक चीज़ है खुश रहना, मुतमइन रहना। जो बंदा खुश और मुतमइन रहता है वो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, जिसके पास बहुत पैसा ना हो सकता वो खुश और मुतमइन ना हो। सो बेहतर ये है कि क्वालिटी अपना लें, प्रिटेंड करें हम बहुत खुश हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली खुश रहना सीख जाएंगे। बस अभी तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।